नमस्कार सभी को, मैं देवेंद्र पाल स्वागत करता हूं आप सभी का डीएसपी कोचिंग सेंटर में। देखिएगा, आज की वीडियो में हम बात करेंगे ईएसआईसी एमटीएस का एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना रहने वाला है 2022 का। जैसे कि आप सभी का एग्जाम 7 मई को हुआ था और इसका जो आपका रिजल्ट आएगा जून के लास्ट वीक में आएगा, क्योंकि ईएसआईसी एमटीएस एक महीने के अंदर अंदर रिजल्ट घोषित कर देती है। तो हम इस वीडियो में जानेंगे कि हमारा 2022 का कट ऑफ क्या रहने वाला है, 2016 का यानी प्रीवियस ईयर कट ऑफ कितना था और 2012 का कट ऑफ कितना था और क्वालिफाइंग के लिए कितने मार्क्स की आवश्यकता है। कंप्लीट डिटेल्स वीडियो में हम लोग जानेंगे, इसलिए आप वीडियो को कंप्लीट देखना, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे हम 2016 की वैकेंसी देखेंगे कि ईएसआईसी एमटीएस में 2016 में कितनी वैकेंसी थी। तो देखिएगा, टोटल जो वैकेंसी थी 3818, जिसमें यूडीसी की 2090 और मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी एमटीएस की 1578 वैकेंसी थी और स्टेनोग्राफर की 150 थी। और यहाँ पर हम रीजन वाइज वैकेंसी देखेंगे कि किस स्टेट से कितनी वैकेंसी थी। तो यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले आंध्र प्रदेश से एमटीएस के लिए जनरल में 43, एसटी के लिए 7 थी, ओबीसी के लिए 23 थी, यानी टोटल 73 वैकेंसी थी। इस प्रकार से आप देखिएगा, सभी रीजन का यहाँ से देख सकते हो। ये पीडीएफ हम आप सभी को टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पर सेंड कर देंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए। देखिएगा, एमटीएस की थी हमारी टोटल 1578 वैकेंसी। अब यहाँ पर हम बात करेंगे 2016 की कट ऑफ कितनी रही थी। तो यहाँ पर देखिएगा, हैदराबाद रीजन से जनरल की 130 गई थी, ओबीसी की 128.53 और एससी के लिए कोई भी वैकेंसी नहीं थी 2016 में। एसटी की 117.09, एक्स सर्विसमैन की 84.18 और पीडब्ल्यूडी की 87.94। तो आप यहाँ पर देख सकते हो। आगे मुंबई की बात करें तो जनरल की 120.96 थी, ओबीसी की 119.13, एससी की 115.90, एसटी की 96.71 और एक्स सर्विसमैन के लिए कोई वैकेंसी नहीं थी, पीडब्ल्यूडी के लिए कोई वैकेंसी नहीं थी। आप यहाँ पर अदर रीजन की वैकेंसी कट ऑफ भी देख सकते हैं। देखिएगा, यहाँ पर हम 2012 की कट ऑफ देखेंगे। देखिएगा, जनरल कैटेगरी की 119.25, ओबीसी की 104.25, एससी की 111.50, एसटी की 70 और एक्स सर्विसमैन की 39। और इसके अलावा यहाँ पर देखिएगा, विजुअल इम्पेयर्ड कैंडिडेट्स 56.25, ऑर्थोपेडिकली चैलेंज कैंडिडेट्स 99.75, हियरिंग इम्पेयर्ड कैंडिडेट्स 80.50। आप लोग यहां पर कट ऑफ देख सकते हैं, ये थी 2012 की। अब हम बात करते हैं कि 2022 की कितनी रहेगी, 2022 की कितनी रहेगी, चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो यहां पे हम क्वालिफाइंग मार्क्स देखेंगे कि जनरल को चाहिए 45% यानी कि 90 नंबर, इसके अलावा ओबीसी को चाहिए 40% यानी 80 नंबर, एससी एसटी ईएसएम को 35%, पीडब्ल्यूडी के लिए 30%। ये आपके क्वालिफाइंग मार्क्स हैं, यानी आपको इतने मार्क तो लाना ही पड़ेगा, तभी आप क्वालिफाइंग कर पाएंगे। देखिएगा, अब हम बात करते हैं कि 2022 की जो वैकेंसी थी वो कितनी थी। तो देखिएगा, टोटल वैकेंसी थी 3600, जिसमें एमटीएस की थी लगभग 1948 के आसपास एमटीएस की वैकेंसी थी। चलिए अब इसका हम कट ऑफ देखते हैं कि इसका कट ऑफ कितना जा सकता है। तो यहाँ पर देखिएगा, 2022 का जो कट ऑफ जा सकता है जनरल का 125 से 135, यानी लगभग इसी के अप्रोक्सीमेटली आपका रहेगा, जनरल का 125 से 135 के बीच ही रहेगा आपका कट ऑफ। ओबीसी का 120 से 130, ईडब्ल्यूएस वालों का 120 से 130 और एससी का 110 से 120, एसटी का 110 से 120 और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स का 100 से 110 के बीच ही रहेगा। आपका कट ऑफ इतने के लगभग ही रहेगा, ये मैंने आपको एक्सपेक्टेड बताया है कि आपका कट ऑफ इतने से हाई नहीं होगा।
125 से 135 के बीच ही रहेगा जनरल कैटेगरी का, और जो इसका आपका रिजल्ट है ये जून के लास्ट वीक में आएगा, जून के लास्ट वीक में आपका इसका रिजल्ट आ जाएगा। और इसकी जो आंसर की है वो नहीं आती है, ESICMTS आंसर की नहीं देती है। क्लियर है? उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और यदि हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।